हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं और वो है टाइम कैप्सूल। अभी ये चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कारण है उसका, आपका राम मंदिर है और राम मंदिर की जो नींव है, राम मंदिर में एक गर्भगृह है, वहाँ पर टाइम कैप्सूल दफनाया जाना है। तो क्या होता है ये, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये हम जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और इससे मुझे लगता है कि सभी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। टाइम कैप्सूल देखिए होता क्या है, तो ये एक कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब है एक बॉक्स होता है ये बड़ा सा, खाली सा, और उस खाली से बॉक्स में कुछ सामान रखा जा सकता है, ठीक है। ये धातु का बना होता है जिसमें मेनली कौन सी धातु यूज़ की जाती है, मेनली इसमें तांबा धातु का यूज़ किया जाता है। कंटेनर जो होता है ये टाइम कैप्सूल, टाइम कैप्सूल को ये किसी भी मौसम का सामना करने में सक्षम होता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, हर कंडीशन में ये हर मौसम का सामना करने में ये सक्षम होता है। इसे दफनाया जाता है जमीन में इसे रख दिया जाता है, और जमीन में रखने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसमें किसी भी सभ्यता का, किसी मानव सभ्यता का, या किसी बिल्डिंग का, किसी इमारत का, किसी जो समुदाय है, जाति है, इन सब के इतिहास को संरक्षित किया जा सकता है, वो भी हजारों वर्षों तक। टाइम कैप्सूल जो होता है ये हजारों साल तक रह सकता है जमीन के भीतर, ये बेकार नहीं होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, जमीन के भीतर रह सकता है। और ऐसा ही किया जा रहा है राम मंदिर के साथ। राम मंदिर का पूरा इतिहास अब तक का, और उसके बाद अभी जो निर्माण किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, ये सब चीज़ें राम मंदिर में एक टाइम कैप्सूल में, एक कंटेनर में रखी जा रही हैं, वो ज़मीन के भीतर दफना दिया जाएगा, जो कि हजारों सालों तक हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। कभी आगे वाली जो पीढ़ियाँ हैं, अगर कोई डाउट उठता है कि मंदिर का निर्माण कैसे करवाया, किसने करवाया, तो इससे हमें सूचना मिल जाएगी कि मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। एक ज़रूरी बात यह है कि क्या इससे पहले भी कभी भारत में इसका टाइम कैप्सूल का यूज़ किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। 1973 में, 1973 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने लाल किले के भीतर टाइम कैप्सूल दफनाया था। लाल किले में टाइम कैप्सूल दफनाया था, दिल्ली का जो लाल किला है उसमें उन्होंने अपना उस समय का गुणगान अपना किया था। और भारत का जो 25 वर्षों का इतिहास रहा है, आज़ादी से लेकर 25 वर्षों का इतिहास, वो सब कुछ इस टाइम कैप्सूल में लिखा हुआ था। इसके अलावा IIT कानपुर की जब नींव रखी गई थी, तब भी टाइम कैप्सूल रखा गया था, और भी कई इमारतों के निर्माण के दौरान भारत में टाइम कैप्सूल रखा गया है। एक खुशी की बात यह है कि 2013 में हमें एक टाइम कैप्सूल मिला था स्पेन में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो स्पेन में जो टाइम कैप्सूल था, ये ईसा मसीह की जो मूर्ति है, मूर्ति के तौर पर मिला था 2013 में स्पेन में, और इसमें लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास लिखा हुआ था। 400 साल से पुराना कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ इसमें मिले थे, उनको संभाल कर रखा गया था। स्पेन में ये मिला है ईसा मसीह की मूर्ति के तौर पर, आप देख सकते हैं। तो ये जो टाइम कैप्सूल है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे इतिहास को, जो जातियां हैं, सभ्यता है, उसके इतिहास को संभाल कर रखा जा सकता है। इसी के लिए टाइम कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, ज़मीन में इसे दफना जाता है। ना तो ये सड़ता है, ना गलता है, मेनली इसमें तांबा धातु का यूज़ करते हैं हम। एक कंटेनर होता है, एक खाली बॉक्स होता है तांबे का बना हुआ, जो कि आप इसे ओपन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी उसे, और उसमें सब चीज़ दफना कर रख दी जाती है। उसके भीतर ना नमी जाती है, ना ही टेम्परेचर का उन चीज़ों पर कोई इफेक्ट पड़ता है। वर्षों तक, हजारों सालों तक ये ज़मीन के भीतर दबा रह सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है टाइम कैप्सूल। मुझे इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी, और मुझे आपको यही बताना था कि टाइम कैप्सूल आज से पहले भी यूज़ किया गया है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का जो निर्माण है, वो जब शुरू होगा 5 अगस्त से, तब भी इस टाइम कैप्सूल को ज़मीन में दफनाया जाएगा, ठीक है। लगभग 200 फुट नीचे इसे दफनाया जाएगा ज़मीन में, और उसमें मंदिर का पूरा इतिहास वगैरह वर्णित किया गया है। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। थैंक यू।